कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे मुश्किलें छुपी होती हैं। हम कामयाबी के सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते असफल हो जाते हैं। 10 में से बस 3 ही लोग सफल हो पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हम क्यों अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते? ऐसी क्या गलती हम कर देते हैं जो हम असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं? दोस्तों, जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि हम अपने जीवन में सफलता कैसे हासिल करें, कैसे उस मुकाम तक पहुँचे। तो दोस्तों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मैं हर तरह की प्रयास करने के बाद भी असफल क्यों हो जाता हूँ? मैं पूरी तरह से मेहनत करता हूँ पर इसके बाद भी मन चाहा फल प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पीछे का क्या कारण है? इतना सब सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए कामयाबी का मतलब कुछ भी हो। वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, तभी उसे कामयाबी हासिल होती है। लेकिन वो कभी भी ये ख्याल नहीं करता कि कामयाब होने के बाद अपनी कामयाबी को हमें किस तरह से और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना चाहिए। उसका ध्यान तो केवल और केवल कामयाबी पाने में रहता है, लेकिन उसे और बेहतर तरीके से बड़ा और विस्तार करने पर उसका ध्यान कभी नहीं जाता। और यही तैयारी ना होने के कारण ही वो अपनी पाई हुई सफलता को भी अपने हाथों से खो देता है। तभी वो आदमी बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे मुनिवर, मनुष्य के सफलता और बर्बादी के पीछे का क्या कारण होता है, मुझे स्पष्ट से बता दे ताकि मैं जीवन में पूरी तरह से कामयाब बन सकूं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहला कारण हर मनुष्य के अंदर आलस्य है और वो अपने इस आलस्य के कारण काम को टालने की कोशिश करता रहता है। वैसे ये एक सफलता का मंत्र भी है। जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, जब हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब अधिकांश लोग अपने कामों को टालने की गलती करते हैं और उनकी यही एक छोटी सी आदत उनके कामयाबी और उनके बीच बाधा का काम करती है। जबकि हर इंसान कठिन काम पहले करना चाहता है और आसान काम वो कल के लिए छोड़ देता है। लेकिन सबसे जरूरी तो यही है कि जो सबसे आसान काम है हमें उसे ही पहले करना चाहिए। लेकिन हम इंसान केवल ये सोचते रहते हैं कि ये तो बड़ा ही आसान काम है, इसे तो मैं कभी भी कर लूंगा, इसीलिए वो आसान काम को हमेशा टालता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वही आसान काम धीरे धीरे एक पहाड़ का रूप ले रही है जो हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले हमें आसान काम को करना चाहिए और जब आप आसान काम को सबसे पहले करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा और आप अपने कठिन कार्यों को भी बड़े ही आत्मबल और मनोबल के साथ बड़े ही सरलता और सहजता से कर लेंगे। और वहीं पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे पास तो अभी पूरा जीवन बचा हुआ है, तो क्यों ना हम इस काम को बाद में करें। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार हमारा मृत्यु भी है, और मृत्यु कब किसकी आ जाए ये कोई भी नहीं जानता। हमारी कोई भी सांस निश्चित नहीं है और कौन जाने
हमने जो अभी सांस ली है यही हमारी आखिरी सांस हो, तो क्या आप अभी ये सोच सकते हैं कि यदि ये आपकी ये जो सांस है अगर आपकी आखिरी सांस बन जाए तो जो काम आपने अभी तक टाले हुए हैं वो आगे चलकर पूरे हो पाएंगे। हम इसी अंधेरे में रहकर केवल ये सोचते रहते हैं कि हमारे सामने अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है, हम अपने इस कार्य को कभी भी कर लेंगे क्योंकि ये तो आसान काम है, छोटा सा काम है और इसे करने में मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है और हमारे जो काम हमने टाल रखी है ये भी हमेशा के लिए अधूरे रह सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी ना करें, सबसे पहले आसान काम को करिए। जब हम आसान काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है, हमारा मनोबल बढ़ाता है जिससे हम आगे का कठिन कार्य भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। और जब आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो हम किसी भी कठिन कार्य को बड़े ही सरलता और सहजता से पूर्ण कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तब आप सफलता के ओर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने काम को टालने की आदत को पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे वो बौद्ध भिक्षु दूसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, जो भी विचार उनके मन में उत्पन्न होते हैं वो उन विचारों में बहते चले जाते हैं और कभी भी उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं करते। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक ही बड़ी तेज से क्रोधित होने लगता है और कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक से बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से आप जरूर मिले होंगे जो पल भर में दुखी हो जाते हैं। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और ये हमें अंधकार की ओर धकेलती चली जा रही है। हमारे अंदर की भावनाएं हमें इंसान बनाती है, लेकिन इन भावनाओं में बह जाना ये पूरी तरह से गलत है। जैसे कि मान लीजिए यदि आपसे किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा अपशब्द कह दिया जिसके बाद आप तुरंत ही क्रोधित हो गए हो, गुस्से में भर गए, उसके बाद आपने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो आपको कभी नहीं उठाना चाहिए था, जो आप ऐसा उठाने के बारे में कभी नहीं सोचे थे, ये सब आपके अंदर भरी हुई उन भावनाओं के कारण होता है और आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो आपके भावनाओं के कारण हुआ क्योंकि आप तो गुस्से में थे और वो गुस्सा आपके बर्बादी का एक कारण बन गया और वो क्रोध आप पर हावी हो गया जिसके कारण आपने ऐसा कदम उठा लिया जो आप अपने जीवन में कभी नहीं चाहते थे। और केवल क्रोध में ही नहीं बल्कि खुशियों में भी हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को पाते हैं, कोई ऐसी खुशी मिलती है तो हमारे अंदर भावनाएं उमड़ने लगती है और इस समय भी हमें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। ऐसे समय पर हम अक्सर और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हमने ये हासिल कर लिया है, वो हासिल कर लिया है, लेकिन जब वो चीज हमसे खो जाती है या फिर हम उसे गवा देते हैं तो वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे हमने अपनी खुशी बांटी थी।
इसलिए खुशी में बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर दूसरों से अपने मन की बात बताने की आपको किसी से भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन भावनाओं को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने काम पर तत्पर रह सकते हैं, काम पर लगे रह सकते हैं, ताकि जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो तो उसका आनंद भी उठा सके और जब कुछ बुरा हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ले सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु तीसरा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जो लोग बड़े ही निर्मल हृदय के होते हैं, बड़े ही साफ मन के होते हैं, उन्हें दूसरों को सुख पहुंचाकर खुशी मिलती है। लेकिन हमें इन भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि ये भावनाएं आप पर हावी हो गई, तो आप केवल दूसरों के खुशी में ही खुश होते रहेंगे, दूसरों को खुश करने में ही लगे रहेंगे। यहाँ आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे, दूसरों को खुशी रखना ये तो बड़ा ही पुण्य का काम है, बड़ा सत्कर्म है। लेकिन ये पुण्य का काम जब आप पर हावी हो जाता है, तब ये आपका विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपका कोई एक घनिष्ठ मित्र है और आपके मित्रता बड़े ही गहरी है। जब आप उससे सालों बाद मिलते हैं, तो आप दोनों के मन में खुशी की एक लहर उठ पड़ती है। लेकिन आपका मित्र अब बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा। वो आपसे मदिरा पान धूम्रपान के लिए कहता है और आप उसके घनिष्ठ मित्र हैं और आपकी आदत है लोगों को खुश करना, तो आप उसे भी खुश करने की कोशिश करते हैं और आप भी उसका साथ देते हैं। आप भी धूम्रपान मदिरा पान में शामिल हो जाते हैं। तो अब आप ही सोचिए, इसमें नुकसान किसका हुआ, इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? बेशक आपको ही। इसलिए ऐसी परिस्थितियां जहां पर आप खुद को हानि पहुंचा रहे हो, वहां पर किसी और को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उस मित्र को वहीं पर मना कर सकते हैं, ना कह सकते हैं, उसका दिल दुखा सकते हैं, भले ही वो उस समय आपसे नाराज हो जाए, लेकिन बाद में आपके समझाने पर वो आपकी बात जरूर मान लेगा, यदि वो आपका सच्चा मित्र होगा। और यदि वो आपका केवल फायदा उठाना चाहता है, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा और वो आपको जब तक धूम्रपान मदिरापान नहीं करवा देता, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखे और ऐसे लोगों को ना कहना सीखे। जरूरी नहीं कि हम उन्हें खुश करने के लिए वो जो कहते हैं वो कर दे। और आगे वो बौद्ध भिक्षु चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि हम इंसान के भीतर अहंकार का जन्म या अहंकार हमारे भीतर तब तक नहीं पनपता जब तक कि हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर ले। यदि कामयाब होने से पहले आपके भीतर अहंकार है, तब तो फिर आप अपने जीवन में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और अहंकार मन का एक ऐसा विकार है जो हमारे जीवन में तब पनपता है जब हम किसी चीज को हासिल करते हैं, जब किसी सफलता या कामयाबी को पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी सफलता को हासिल करते हैं, तब आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि मानो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। आपने जो आज हासिल किया है, वो पूरे समाज में और कोई नहीं हासिल कर सकता। आपके मन में ये अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही हूँ,
जिसने ये काम किया है, और यही अहंकार हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब आपके मन में अहंकार उत्पन्न हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में पाने या खोने जैसा कुछ भी नहीं है, सब तो पीछे ही रह जाएगा। तो फिर इसमें अहंकार की क्या अर्थ है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करता है और वो अपने उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेता है। तो क्या हर व्यक्ति अहंकार करता है? इसका जवाब है नहीं। इसीलिए इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। हम कितने भी सफल हो जाए, कितने भी कामयाब हो जाए, हमें अहंकार को त्याग कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो आपने आज हासिल किया है, कल उससे भी बड़ा कोई और हासिल कर सकता है। ये सभी मेहनत और वक्त निर्धारित करता है, और यही सच है। हमें तो बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना कार्य को केवल पूर्णता के साथ करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए, ताकि कभी भी हमारे मन में ये पछतावा ना हो कि हमने अपना कर्म नहीं किया था, अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया था, या फिर हमने अपने तरफ से कोई कमी छोड़ी थी। हम अपने काम को किसी दूसरे के काम से ऊंचा समझ बैठते हैं, जिस कारण हमारे मन में अहंकार उत्पन्न होने लगता है, अहंकार का जन्म होता है। हमें कभी भी अपने काम को किसी दूसरे इंसान के काम से तुलना नहीं करना चाहिए। हम अपने काम को बड़ा और दूसरे के काम को छोटा समझते हैं, जिस कारण हमारे मन में ये विकार उत्पन्न होने लगता है। परंतु सच तो यही है कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़ा कार्य कर रहा है, उसके लिए वही अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता रहता है, लेकिन हम इंसान की सोच ही कुछ ऐसी हो चुकी है कि हम दूसरों के काम को छोटा और अपने काम को बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जब आप आंखें खोलकर देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हर किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं है, वो सभी कार्य एक समान है, सभी का अपना अपना एक महत्व है। इसलिए कभी भी अपने कार्य के तुलना किसी दूसरे की कार्य से ना करें, अन्यथा आपके मन में बेवजह ही अहंकार उत्पन्न होगा। यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु पांचवा मुख्य कारण बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सफलता हासिल कर लेता है और जब वो कामयाब हो जाता है, पहले से ज्यादा लालच उत्पन्न होने लगता है और उसके मन में तरह तरह के अनेकों प्रकार के लालच उठने लग जाते हैं, और वो ये सोचने लगता है कि मैं और धन कैसे कमा सकता हूँ, मुझे तो और धन कमाना है, मुझे तो और धन कैसे भी करके चाहिए ही चाहिए। और अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में वो व्यक्ति लालच के माया जाल में फंस जाता है, और वो अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, और वही उसके विनाश का कारण बन जाते हैं। आपने अपने आसपास या इस समाज में देखा होगा कि अधिकांश लोग बहुत ही जल्दी कामयाबी को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके मन में ये लालच उत्पन्न होता है कि मुझे और धन कमाना है, तो वो उतनी ही तेजी से नीचे की ओर गिर भी सकता है। इसीलिए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें, ना कि अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में फंस जाए। आगे वो बौद्ध भिक्षु छठा कारण बताते हुए कहते हैं कि काम वासना से ग्रस्त मनुष्य ना तो पूरे ध्यान से अपने काम को कर पाता है और ना ही अपने गृहस्थ जीवन पर
ध्यान दे पाता है, जिस कारण उसके गृहस्थ जीवन में अशांति फैली रहती है, झगड़े होते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कामयाब बनता है तो हर कोई उसका पीछा करता है, हर कोई उससे संबंध बनाना चाहता है ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और आपका इस्तेमाल कर सके, और ऐसा करने में वो आपको गलत रास्ते पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की चक्कर में फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलना भी नामुमकिन जैसा हो जाता है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। घर की शांति सुख पूरी तरह से गायब हो जाती है। आपके मन में एक तनाव सा बना रहता है, आपका मन का सुख चैन सब खो जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि अब आप क्या करें। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि वो अपने ग्रस्त जीवन को भी पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बच्चा, यदि तुम्हें कामयाब बनना है तो सबसे पहले तुम्हें हर एक कार्य को समय पर पूरा करना होगा और बाकी जो चीजें हैं वो तो तुम्हारे जीवन में बाद में आएंगी। कामयाब इंसान बन जाओगे लेकिन पहला कदम तो तुम्हें यही से उठाना होगा। और जब तुम एक बार कामयाब बन जाओ तो मैंने तुम्हें जो 6 बातें बताई है, 6 मुख्य कारण बताए हैं, उन्हें जरूर ध्यान में रखना ताकि तुम अपने जीवन में कामयाब होने के बाद उसे फिर से गवा ना बैठो। तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में और सुख सुविधाएं होंगी और तुम्हें कभी भी जीवन में निराशा या दुखों की पहाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम अपने जीवन को खुशी और सफल रूप से जी सकोगे। आप अपने मन में ये हमेशा याद रखें कि ज्ञान केवल अर्जित करने से आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होंगे। आप रातों रात सफल नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप उस पर चलेंगे नहीं, आप उस पर काम नहीं करते। जिस प्रकार जब तक ये बातें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।